और इन दोनों झारखंड की राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम दिख रहे हैं। आए दिन मर्डर की धमकी दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सिरम टोली में आया है, जहां संतोष नाम के एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, तो वहीं दुकानदार के पैसा देने से इनकार करने पर अपराधियों ने मारपीट की और तोड़फोड़ किया गया। घटना की त्वरित जानकारी चुटिया थाना को दी गई। मौके पर चुटिया थाना दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन अपराधी तब तक फरार हो चुके थे। वहीं पीड़ित दुकानदार का यह कहना है कि जाट नामक व्यक्ति द्वारा लगातार धमकी देकर पैसों की मांग की जा रही है। दुकानदार ने बताया कि इसकी शिकायत थाना को पहले भी करा चुकी गई थी, इसके बावजूद पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की निष्क्रियता को देख के कारण रंगदारी मांगेंगे वाले अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहीं पुलिस के ढीले रवैये के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस घटना घटित होने के बाद प्रकरण दर्ज करने में जुटी हुई है। पुलिस अपराधियों को रोकने में विफल साबित हो रही है। काम करते हैं, हर कल देखे जो सो बता रहे हैं, तो लोग अचानक से आया और कुछ बातें पैसा का बात होने लगा, लड़ाई हुआ, उसे भी हम भी छोड़ाने में मार मिला हमको भी, और आंखों देखी देखा है, सीसीटीवी कैमरा में कैद है। आप पहचानते थे आपके साथ? हाँ पहचानते, हाँ। कौन लोग? बगले का है। क्या बोल रहे थे? वो लोग बोल रहे थे कि दुकान खाली करो, 5 लाख रुपए दो। क्या करता बंदा? पता नहीं वो क्या करता है। बोला हुई है घटना सर, ऐसा है कि स्टार्ट हुआ 2-3 मंथ पहले से। यहाँ का एक लड़का है जिसका नाम आनंद कच्छप उर्फ छोटू है, जो 2 साल पहले जेल से छूट कर आया है। तो मेरे से 2-3 महीना पहले से हमको लगातार धमकी मिलते चला आ रहा था। किस चीज़ को लेकर धमकी दे रहा था? वो मेरे को जान से मारने का धमकी दे रहा था और बदले में रंगदारी 5 लाख रुपया रंगदारी की मांग कर रहा था। ये वो दो बात बोल रहा था, या तो आप 5 लाख रुपया हमको रंगदारी दीजिए या तो हम जान से मार देंगे आपको, या इस दुकान को है, इस दुकान से हट जाइए, इस दुकान में हम कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें हमने साफ मना कर दिया। तो उसने मुझे डराने के लिए रात में मेरे दुकान के बाहर में तोड़फोड़ कर दिया, जिसमें बाहर में सारा टूटा उटा है, जिसका आवेदन हमने थाना में भी दिया, जिसका रिपोर्ट का लिखित कॉपी यहाँ है। ये थाना वाले निरीक्षण किए, लेकिन थाना के तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं हुआ इस, और थानों को हमने बताया भी कि हमको जान से खतरा है, लेकिन थाना वाले ने कोई खास कार्रवाई नहीं किया, जिससे उसका मन बढ़ गया। और घटना जो है ये 5 कल की बात है, 5 नवंबर 2023, समय 9:30 बजे हम लोग डेली की तरह, मैं और मेरा स्टाफ जो अपाइज है हाथ और पैर से, भोला भुइया उनका नाम है। आपके शरीर में चोट भी लगा, क्या हथियार के साथ आए हुए थे और कुछ लोगों के साथ आया थे या सिंगल? बता रहा हूँ सर, 9:30 बजे जैसे ही हम लोग डेली के प्रतिदिन की भांति दुकान हम लोग खोल के दुकान पर बैठे थे, ठीक 10:05 पे वो अपने अन्य साथी जिसका एक का नाम है उसके साथ में रहता है, शायद उसका बॉडीगार्ड है या जो भी है, मोहम्मद दिलावर, और एक दो अन्य लोग थे उनका नाम हमें नहीं पता, वो ले आए और धमकाने लगे कि पैसा तुम दोगे कि नहीं दोगे रंगदारी के तौर पर। हम बोले पैसा किस चीज़ का पैसा? बोले 5 इस यहाँ अगर दुकान आपको चलाना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, पहले 2 लाख मांगा करता था, अब सीधे 5 लाख मांगा, नहीं तो आप दुकान हटे, यहाँ दुकान आपको चलाने नहीं देंगे, यहाँ गाड़ी का कोई काम करने नहीं देंगे, यहाँ से हटा देंगे आपको।